और एक और बड़ी खबर, देखिए बाहुबली मुख्तार अंसारी से जल्द पूछताछ हो सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूछताछ की तैयारी चल रही है। ईडी जल्द ही मुख्तार अंसारी से पूछताछ करेगी। कस्टडी में लेकर मुख्तार से पूछताछ होगी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट भी जारी किया गया। देखिए बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी और 15 दिसंबर को मुख्तार अंसारी की पेशी होनी है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है जिसमें पेशी होगी और 2 हफ्ते की कस्टडी मांग सकता है ईडी। ऐसे में मुख्तार अंसारी से पूछताछ होगी। ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए। मोहम्मद मोइन, मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो किसी से छुपा नहीं है और ये मामला जो है बहुत सुर्खियों में भी रहा और अब मुख्तार अंसारी की जब 15 दिसंबर को पेशी होगी तो पूरी उम्मीद है कि उनकी कस्टडी मांगी जा सकती है, पूछताछ हो सकती है उसके बाद। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ईडी की टीम मुख्तार अंसारी के परिवार पर लगातार शिकंजा कसती जा रही है। पहले उसके विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले सरदीर रजा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और अब ईडी की टीम जो है वो मुख्तार अंसारी को अपनी कस्टडी में लेना चाहती है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। कस्टडी में लेने से पहले की जो प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया, उसे पूरा किया गया है। प्रोडक्शन वारंट जारी कराया गया और उम्मीद है कि आज बांदा जेल में प्रोडक्शन वारंट तामील करा दिया जाएगा और कोर्ट ने जो प्रयागराज की स्पेशल ईडी कोर्ट है जिसे जिला जज देखते हैं वहां पर मुख्तार अंसारी की पेशी कराई जाएगी। 15 दिसंबर यानी परसों पेशी होगी और बहुत मुमकिन है कि जिस दिन मुख्तार अंसारी की पेशी होगी उसी दिन ईडी की टीम जो है वो कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी लगा सकती है। उसके बाद कोर्ट सुनवाई करेगी और तब फैसला करेगी। और जो हमारे सूत्र है वो ये जानकारी दे रहे हैं कि पहले राउंड में 14 दिनों की जो है वो कस्टडी मांगी जाएगी, यानी 14 दिनों तक अगर कोर्ट मंजूरी देती है तो मुख्तार अंसारी ईडी की कस्टडी में रहेगा और बेटे और क्या कहते हैं साले के साथ साथ जो उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी या परिवार के दूसरे सदस्यों ने जो बयान दिया है उन बयानों को वेरीफाई करने के लिए, उन्हें क्रॉस चेक करने के लिए ही मुख्तार अंसारी से पूछताछ करना चाहती है, उसे अपनी कस्टडी में लेना चाहती है ईडी की टीम। तो प्रयागराज की जो ईडी की यूनिट है उसने जो औपचारिकताएं होती है वो पूरी कर ली है और सिर्फ औपचारिक तौर पर जो है वो जिस दिन मुख्तार अंसारी की पेशी होगी उस दिन अर्जी कोर्ट में दाखिल की जाएगी। यानी कुल मिलाकर कल का दिन ही बाकी है और परसों यानी कि 15 तारीख को पेशी होनी है। क्लियर हो जाएगा कितने दिन की कस्टडी पुलिस मांगती है और कितने दिन की कस्टडी पुलिस को मिलती है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए मोहम्मद मोइन। तो देखिए मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया और देखिए अब जो अंसारी की जो मुश्किलें हैं मुख्तार अंसारी की वो बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा देखिए क्योंकि ये मामला था और बेहद गंभीर आरोप जिसके बाद हमने लगातार देखा उनके परिवार की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं और अब कस्टडी में लेकर मुख्तार से पूछताछ भी होगी। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।